डेयर स्टूडेंट्स असलम नाउ टूडे अवर टॉपिक इज़ फर्स्ट डे ऐट स्कूल रिटर्न बाई रॉजर एनसी ग्राम सिक्स क्लास इंग्लिश इट इज़ ए पॉइम तो बच्चों ये पॉइम है फर्स्ट डे ऐट स्कूल स्कूल का पहला दिन तो so, ये एक बच्चा होता है जब वो पहली बार स्कूल गया होता है उसी के बारे में यह पॉइम लिखी है फर्स्ट डे ऐट स्कूल लेट्स बिगन डू यू रिम्बर यू आर फर्स्ट एट स्कूल क्या आपको आपका स्कूल का पहला दिन याद है हाउ डिड यू फील वेन यू फर्स्ट इंटर द स्कूल तो आपको कैसा लगा था जब आप पहली बार स्कूल में दाखिल हुए थे आपने कैसा महसूस किया था हाउ डू यू फील नाओ अब आप कैसा महसूस कर रहे हो वर्क विद ए पार्टनर एंड सी हाउ ही शी फेल्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल तो आपने किसी साथी से पूछिए कि उसने स्कूल के पहले दिन कैसा महसूस किया था आगे पॉइम है ए मिलियन बिलियन विलियन माइल्स फ्राम होम वेटिंग फ़ार द बेल टू गो टू गो वियर तो ये एक बच्चा होता है छोटा सा कहता है कि मिलियन बिलियन माइल्स फ्रॉम होम घर से बहुत मीलों दूर तो विलियम जो है ये विलियन ये राइमिंग वर्ड है मीनिंगलेस वर्ड है तो आगे ये कहता है बच्चा कि मीलों दूर घर से स्कूल यानी मीलों दूर है वेटिंग फॉर द बेल टू गो टू गो वेयर इंतज़ार कर रहे हैं किसका घंटी बजने का कि जाएंगे तो जाएंगे कहाँ वाई आर दे सो बिग अदर चिल्ड्रन सो नॉइजी सो मच एट होम दे मस्ट हैव बीन बर्न इन यूनिफॉर्म तो कहता है ये बच्चा छोटा सा बच्चा होता है ये कहता है वाई आर दे सो बिग ये अदर ये दूसरे बच्चे इतने बड़े क्यों हैं इतना शोर क्यों कर रहे हैं सो नॉइजी सो मच एट होम जैसे ये घर पे हों दे मस्ट हैव बीन बर्न इन यूनिफार्म शायद ये लगता है कि ये वर्दी पहने हुए जैसे पैदा हुए होंवड ऑल देयर लिवर्स इन प्ले ग्राउंडस स्पेंट तयर्स एंड वेंटिंग गेम्स तो ये कहता है लिवड ऑल देयर लिवज इन प्ले ग्राउंडस तो अपनी तमाम जो ज़िंदगी है ये खेल के मैदान में गुजारते हैं स्पेंट तयर्स एंड वेंटिंग गेम्स तो सालों के साल लगाते हैं ये गेमें ईजाद करने में दैट डोंट लेट मी इन जो मुझे ये गेम नहीं आते खेलने या मुझे नहीं खेलने देते गेम्स दैट आर रफ दैट्स वेलो यू अप तो गेम्स जो हैं ये रफ़ जैसी गेम्स हैं लगता है ये आप ही को खा जाएंगे एंड द रेलिंग एंड ऑल अराउंड द यानी कि फेंसिंग जंगला ही जंगला है यहाँ हर तरफ जंगला ही जंगला है आर दे टू कीप और वुल्वज़ एंड मोनिस्टर शायद इन्होंने ये जो मुलवज़ भेड़िए या मोनिस्टर जो देव वगैरह हैं उनको रोकने के लिए ये शायद ये लगाया है थिंग्स दैट कैरी ऑफ एंड ईट चिल्ड्रन वो चीज़ें जो बच्चों को उठा ले जाएंगी और खा जाएंगी थिंग्स यू डोंट टेक स्वीट्स फ्राम तो ऐसी चीज़ें जिनसे आप स्वीट्स वगैरह यानी मिठाई वगैरह नहीं ले सकते पर आर स्टॉप आस गेटिंग आउट तो शायद ये फेंसिंग जो इन्होंने इसलिए लगाई है कि हमें बाहर जाने से रोकें रनिंग अवे फ्राम द लेसन लेसन से भागने के लिए वट डज ए लेसन लुक लाइक तो ये लेसन क्या होता है कैसे दिखता है साउंड स्माल एंड स्लिमी बहुत धीमी आवाज में ये दे कीप देम इन क्लास रूम हॉल रूम्स मेड आउट ऑफ ग्लास इमेजिन तो कहता है ये कीप देम इन क्लास रूम तो इनको ये क्लास रूम में ही रखते हैं हॉल रूम मेड ऑफ ग्लास एमेजिन तो पूरे जो कमरे जो हैं जैसे ग्लास के बने हुए हों आई विश आई कुड रिमेंबर माई नेम तो कहता है काश मुझे अपना नाम याद रहता मम्मी सैड इट वुड कम इन यूज़फुल तो मम्मी कहती है ये आपको आगे ये ज़रूरत पड़ेगा लाइक विलीज जिस तरह ये यानी रबर बूट होते हैं जूते होते हैं रबर के लंबे लंबे लॉन्ग शूज़ होते हैं ये विलीज़ वेन देयर्स पडल्स जब यहाँ पे कहीं आपके ग्राउंड में पानी जमा होता है ज़्यादा पौन जैसा पानी तो वहाँ चलने के लिए ये जूते आपको ज़रूरत पड़ते हैं येलो विलीज़ तो ये किस रंग के होते हैं जर्द रंग के ये विलीज़ आई विश शी वाजेर तो कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ यहाँ होनी चाहिए थी आई थिंक माई नेम इज़ सीवन ऑन समवेयर पर हैप्स द टीचर विल रीड इट फॉर मी तो कहता है मैं सोचता हूँ कि कहीं पे मेरा नाम जो है वो सी के रखा होगा कहीं पे पर टीचर विल रीड इट फॉर मी शायद टीचर इसको मेरे लिए पढ़ेगा टीचर दवान हु मेक्स टी तो टीचर 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 का क्या मतलब है तो बच्चा ये सोचता है क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है वो सोचता है दवान हु मेक्स टी ये वो है जो चाय बनाता है तो आगे वर्ड्स मीनिंग से विलियन राइमिंग वर्ड्स है ये विद मिलियन एंड बिलियन के साथ ये लगाया हुआ है रेलिंग ए फेंस मेड फ्रॉम पोस्ट एंड बार्स तो जंगला जो लोहे के बार्स यानी वो खम्बों से बना हुआ है विली लॉन्ग रबर बूट्स पडल्स ए पूल ऑफ लिक्विड ऑन द ग्राउंड यूजली फ्राम रेन जब बारिश होती है तो यह वहाँ पे एक पोन जैसा तालाब जैसा वहाँ पे बन जाता है ग्राउंड में उसी को क्या कहते हैं पडल्स तो यहाँ पे ये हमारी पॉइम ख़त्म होती है आगे कल हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ओके बच्चों अल्लाह हाफिज